नमस्कार, मैं माही गौतम और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। बढ़ते हैं खबरों की ओर। विधायक रामेश्वर शर्मा ने आधी रात को कोलार 6 लेन, दानिश कुंज और हिनोतिया 4 लेन का निरीक्षण किया, जहां कमियां दिखी अफसरों को मौके पर ही फटकार लगाई। रात 10 बजे कोलार रेस्ट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक की और रात 11 बजे सर्वधर्म ब्रिज पहुंचे। वहां ब्रिज पर सीमेंट कंक्रीट का काम जल्द पूरा करने, मलबा हटाने और कम रोशनी वाले स्थानों पर लाइटिंग सुधारने का निर्देश दिया। विधायक ने 6 लेन पर ट्रैफिक दबाव और बेहतर पार्किंग, सड़क व्यवस्था और फुटपाथ निर्माण के लिए भी निर्देश जारी किए। भाई साहब, इतनी रात को दौरा करना, देखिए 6 लेन पर यातायात का दबाव रहता है तो दिन में दौरा करने में कहीं ना कहीं यातायात को रुकावट आती है, इसलिए रात में जब शांत रोड हो जाता है, और दूसरे रात में अब हमें ये देखना है कि जो हमने लाइट लगाई है उस लाइट का, रोशनी का कितना असर 6 लेन पर है, कहीं लाइट छोटी है कम है तो उसको बढ़ाने के भी हम सोच रहे हैं। यातायात के लिए, पार्किंग के लिए सुगम स्थान क्या हो सकते हैं, व्यक्तिगत जो लोग फुटपाथ पे चलेंगे, बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं या महिलाएं हैं, उनको चलने के लिए फुटपाथ पे क्या हो सकता है, बीच में सेंटर में जो ग्रीनरी लगाएंगे उस ग्रीनरी के पर प्लान क्या हो सकता है। इसलिए जब सुकून से चलते हैं तो बहुत सी चीज़ें हमको रात में दिखती है, या तो आजकल हम सुबह 7 बजे दौरा करते हैं या रात्रि को लेट नाइट दौरा करते हैं। अभी आपने आधा रूट निरीक्षण किया, क्या देखा और क्या कमी पाई? अभी थोड़ी थोड़ी ये है, जहाँ जहाँ हम रोड फिनिश करते जा रहे हैं वहाँ जितना भी रेत गिट्टी मलबा जो जो पड़ा है उसको साफ करने का बोला है, और जहाँ थोड़ी सी लेफ्ट राइट टर्निंग बनना है कुछ जोड़ों में वो उसको निर्देश दिए हैं, और बीच बीच में जो फुटपाथ के और बीच के सेंटर मीडियम में जो पत्थर पड़े हैं बड़े बड़े अलंगे वो सब साफ करने का दिया है, क्योंकि अब हम नगर निगम से वो हमने टेंडर के लिए पैसा दे दिया है तो बीच में हम ग्रीनरी लगाने का भी काम शुरू करेंगे। हमारी कोशिश है कि वैसे तो हमारा नया साल गुड़ी पड़वा पर आता है, पर अंग्रेजी नए साल में भी हम इसको पूरी तरह से जनता को ओपन कर देंगे। इस खबर में इतना ही। देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर सभा जगत। नमस्कार।